वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट आईएएस। आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में खास अहमियत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, समाज सुधारक आंदोलन। इसमें सबसे पहले स्वामी नारायण संप्रदज्ञा, ये सबसे पहले जो पहला जो हमारी नॉलेज में आता है वो पहला समाज सुधार आंदोलन था स्वामी नारायण संप्रदज्ञा। ये 19वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में हुआ, अर्लीस्ट 19th सेंचुरी, और इसके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी सहजानंद, ज्ञान शर्मा इनका नाम था मूल नाम, और बिलीफ इन थियस्टिक गॉड, ये कि भगवान में कई सारे भगवानों में यकीन करते थे, मतलब ये भगवान में यकीन करते थे, एंड प्रेस्क्राइब्ड अ मोरल कोड, और इन्होंने एक नैतिक जो है संहिता भी जारी की थी। एंड ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समाज सुधारक आंदोलन रहा, और इसके प्रवर्तक जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इन इंडियन हिस्ट्री, राजा राम मोहन राय। भारत की जो आधुनिक भारत है, इतिहास है, उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत अद्भुत स्थान है। इसमें जो इन्होंने स्टार्ट किया ब्रह्मो समाज, ये कलकत्ता में 1828 में फॉर्मली ये ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन इससे पहले जो है छोटा मोटा काम जो चलता रहता है वो आत्मीय सभा के रूप में 1814 में जो बनी थी उसके रूप में चलता रहता है, एंड 1828 में ब्रह्मो समाज का निर्माण हो जाता है। ये दो जर्नल्स, जो दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार निकाला था राजा राम मोहन राय ने अंडर ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के बाद ब्रह्मो समाज टूट जाता है, आदि ब्रह्मो समाज और भारत का ब्रह्मो समाज जो है केशव चंद्र सेन जब टूटता है तो दोबारा बन जाता है, और एक आदि ब्रह्मो समाज होता है जो देवेंद्र टैगोर के द्वारा संचालित होता है जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात। और साधारण ब्रह्मो समाज, दैट मीन्स ये कि साधारण ब्रह्मो समाज 1878 में केशव चंद्र सेन, इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, उनकी लड़की की शादी की स्टोरी है, और उसके बाद जो 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जो है वो केशव चंद्र सेन से अलग हो जाते हैं और साधारण ब्रह्मो समाज बनाते हैं। कुछ बुक्स और मैगजीन्स हैं, तत्व कौमुदी है, इंडियन मैसेंजर है, संजीवनी है, नव भारत है, प्रवासी है, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई, तत्व कौमुदी जो है वो देवेंद्र टैगोर के द्वारा लिखी, इंडियन मैसेंजर जो है वो केशव चंद्र सेन ने लिखा। यंग बंगाल मूवमेंट इसके बाद आता है फ्रेंड्स, 1829 में जो है यंग बंगाल नाम का मूवमेंट चल रहा होता है बंगाल में कलकत्ता में, और इसके जो प्रवर्तक थे फाउंडर थे वो हेनरी लुइस विविन डेरिजियो थे, और इन्होंने जो एक पत्रिका निकाली थी जनवेसन, और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज इन्होंने बनाई थी सोसाइटी, एंड डेरिजियो एडिप्टेड, इन्होंने जो है दो कलकत्ता लाइब्रेरी गैजेट ये भी एडिट किया था, और इन्होंने इंडियन गैजेट इसको भी एडिट करने का काम किया था। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं धर्मसभा, कलकत्ता 1830 में बनी है धर्मसभा, और इसके प्रवर्तक जो थे राधाकांत देव थे, और ये ब्रह्म समाज के काउंटर में बनी, जो है ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए बनी, उसकी और उसके प्रिंसिपल्स और उसके आइडियलिज्म को जो है अपोज करने के लिए बनी धर्मसभा। और रेडिकल एंड लिबरल रिफॉर्म्स जो हो रहे थे उस टाइम पे इंडियन रेनेसा, तो उसको अपोज कर रही थी और ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इसके बाद नामधारी और कूका मूवमेंट, दो ये जो है ऑर्गेनाइज होता है 1841 से 1871 तक, और ये सिख जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो हमारा आज का जम्मू एंड कश्मीर और उधर का अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर जो है ये नामधारी और कूका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रन हुआ, और इसमें जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह, ये दो फाउंडर थे कूका मूवमेंट के। एंड कूका मूवमेंट मार्क द फर्स्ट मेजर रिएक्शन ऑफ द पीपल इन पंजाब में हुआ था सबसे पहले, और जब ब्रिटिशर्स ने 1849 में जो है नया पॉलिटिकल ऑर्डर लेकर आए ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद जो है कूका मूवमेंट जो है रिवोल्ट हो गया एक तरीके से, रिलीजियस जो रिफॉर्म हुआ।
एंड तयूनी मूवमेंट जो है, तयूनी मूवमेंट 1839 ढाका में बनाए, तयूनी मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके जो फाउंडर थे करामत अली जौनपुरी थे, ये बेसिकली जो है प्रेज्ड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे शाह वली उल्लाह की जो टीचिंग्स थी, और इन्होंने फराइजी मूवमेंट को जो है अपोज किया था, उसका विरोध किया था। परमहंस मंडली को देखते हैं फ्रेंड्स, 1849 में बॉम्बे में बनी है परमहंस मंडली, और ये बेसिकली क्लोजली रिलेटेड थी मानव धर्म सभा के, जो कि मेहताब जी दुर्गाराम के द्वारा सूरत में 1844 में एस्टेब्लिश की गई थी। एंड दे आउटलाइन प्रिंसिपल्स इन धर्म विवेचन, धर्म विवेचन में इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस किया, एंड एम्प्रेज्ड यूनिटी ऑफ गॉड हेड अगेंस्ट कास्ट रूल, मतलब भगवान की रचना को ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया अगेंस्ट द जातिवाद कास्ट रूल्स के। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं रहनुमाई मजसन सभा, ये जो बनी ये पारसीज़ के रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंडर बनी 1851 में, और इसको बनाया किसने, इसके फाउंडर थे एसएस बंगाली नारोजी फरदोनजी एंड दादा भाई नारोजी, ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट फाउंडर्स थे रहनुमाई मदरसन सभा के 1851 में, जो कि पारसियों के लिए बनी थी भारत में। सो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में आगरा से स्टार्ट होता है राधा स्वामी मूवमेंट, तुलसीराम और शिवदयाल साहिब जो है इसके फाउंडर होते हैं, और स्वामी जी महाराज जो है ये भी इसके फाउंडर्स में इनकी गिनती होती है। बेसिकली मेन जो स्वामी जी महाराज होते हैं इनके फाउंडर होते हैं, तुलसीराम एंड शिवदयाल साहिब जो इनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ओके एंड प्रीस्ड वन सुप्रीम बींग एंड स्टेड ऑन सत्संग, इन्होंने सत्संग के ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिया और सत्संग ऑर्गेनाइज करवाए थे। देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, ये जो फ्रेंड्स है देवबंद स्कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, और ये 1866 में देवबंद सहारनपुर यूपी के अंदर, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस था आज उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, 1832 से 80 तक जिंदा रहे, और इसके बाद राशिद अहमद गंगोई, ये दो इसके फाउंडर थे, और अदर्स में कुछ नाम आते हैं अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन और शिबली नुमानी, ये भी अलग अदर्स में आते हैं फाउंडर्स लिस्ट में। और बेसिकली इसका काम क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का जो है उदारवादी चेहरा दिखाना चाहते थे ये लोग, और मोरल रिलीजियस अपलिफ्टमेंट, मतलब धार्मिक रूप से ये लोगों का उद्धार करना चाहते थे। डिडेंट टेक टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेज इन एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा के अंदर जो है वेस्टर्न जितने भी पश्चिमी प्रभाव थे उनको नकार दिया, एंड सर सैयद अहमद खां की जो टीचिंग्स थी उनको भी अपोज किया इन्होंने देवबंद स्कूल वालों ने, एंड वेलकम्ड द फाउंडेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने वेलकम किया, जो इनका फॉर्मेशन बना पॉलिटिकल ग्रुप उसको इन्होंने वेलकम किया देवबंद स्कूल ने। और फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867 में बना बॉम्बे में, और इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, एम गोविंद रानाडे एंड आरजी भंडारकर, ये इसके फाउंडर थे। एंड वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट इसके बाद देखते हैं रोहिलखंड से स्प्रेड हुआ, और ये काबुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल सेंट्रल प्रोविंस तक फैल गया, और स्टार्टिंग पॉइंट जो था सितोना इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था। एंड सैयद अहमद ऑफ रायबरेलवी इसके फाउंडर थे, विलायत अली शाह, मोहम्मद हुसैन, फरहाद हुसैन, इनायत अली, ये भी इसके को फाउंडर मेम्बर्स थे। बेसिकली इन्होंने शाह वली उल्लाह की टीचिंग्स को पॉपुलराइज किया। एंड इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 कलकत्ता में, केशव चंद्र सेन जो है इसके फाउंडर थे, टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इसका मेन उद्देश्य था कि मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और ब्रह्म समाज की जो शादियाँ होती थी उन्होंने इसे कानूनी करार देने का मतलब जो है अधिकार जताने की कोशिश की, मतलब टू लीगलाइज ब्रह्मो टाइप्स ऑफ मैरिजेस। एंड इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी आई सबसे पहले 1875 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए, आर्य समाज आया और आपका अलीगढ़ मूवमेंट आया 1875 में, और थियोसोफिकल सोसाइटी आई 1875 में। तो सबसे पहले हम 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी को देख लेते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट न्यूयॉर्क में हुआ, और इसके दो फाउंडर थे HP ब्लावत्स्की जो कि रशियन थे, और HS ऑलकॉट जो कि एक अमेरिकन थे, कर्नल थे, और HP ब्लावत्स्की एक लेडी थी, मैडम थी। और इसके बाद एक तीसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी निकल के आती है एनी बेसेंट, प्रेसिडेंट रही है 1893 में, जहाँ जो कि हेडक्वार्टर इसका चेंज कर दिया गया, थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर फिर अडियार मद्रास में आ गया, और बेसिकली इन्होंने उपनिषद से अपने इंस्पिरेशंस लिए थे, फिलोसफीज ऑफ वेदांता से लिया था इन्होंने,
इनके इंस्पिरेशंस थे और इन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया। आर्य समाज और होम रूल जो लीग थी वो भी एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। आर्य समाज 1875 में बना बॉम्बे में, बेसिकली इसके जो प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती थे, जिनका जो बचपन का नाम मूल शंकर था, और इन्होंने हिंदू फेद कहा और इन्होंने कहा वेदों की ओर चलो विद अ रिवाइवलिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म एंड डिनाउंस राइट्स ब्राह्मण सुप्रीमेसी आइडल्ट्री सुपरस्टिशंस ओके। एंड इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स भी इस्टेब्लिश करे, आजकल आपको DAV स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं वो। एंड इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था 1875 में, ये तीनों एक दूसरे के काउंटर में खुले, मतलब इस्टेब्लिश हुए। AMU एंग्लो मॉमडन ओरिएंटल स्कूल जो कि बाद में कॉलेज बन गया 1877 में, इसके फाउंडर थे सैयद अहमद खान, रिकॉग्नाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इस्लाम में लेकर आए, और इन्होंने जो इसके फाउंडर मतलब ये दो तीन सोसाइटी के और फाउंडर थे, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनाई थी, और तहजीब अल अखलाक एक उर्दू जर्नल निकाला था इन्होंने, उर्दू पत्रिका निकाली थी, और अलीगढ़ स्कूल का भी इन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 पुणे में एस्टेब्लिश हुई महाराष्ट्र में, इसके फाउंडर थे एम जी रानाडे, वी जी चुपलंकर और जी जी अगरकर। इसके बाद देखते हैं सेवा सदन 1885 में बॉम्बे में बना, बहराम जी एम मालाबारी, इन्होंने वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिजेस के लिए काफ़ी काम किया, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस और फोर्स्ड विडोहुड टू हेल्प सोशली एक्सप्लॉयटेड वुमेन, मतलब ये जबरन जो है विधवा के साथ जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 में बना बॉम्बे में, इसके पीछे इसके फाउंडर थे एम जी रानाडे, रघुनाथ राव। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं फ्रेंड्स जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। देव समाज 1887 में लाहौर में बना, देव समाज 1887 लाहौर, और इसके बाद इसके फाउंडर थे श्री नारायण अग्निहोत्री, और बेसिकली इसका काम क्या था, रिलीजियस आइडियाज़ क्लोजर टू दोज ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के आसपास के इसके जो है रिलीजियस आइडियाज़ थे, और ये अपोज कर रहे थे ब्राइब टेकिंग, गैम्बलिंग, जुआ खेलने को, रिश्वत लेने को और मदिरा पीने को, और इवन नॉन वेज फूड अगर खाते हैं आप तो उसके लिए भी अपोज कर रहे थे। एंड अहमदिया मूवमेंट जो इसके बाद आता है 1889 में पंजाब में, कदायना मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये इसके फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज जो अटैक कर रही थी बार बार इस्लाम के ऊपर, तो इन्होंने इस्लाम को डिफेंड किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, और हिंदू रिवाइवलिस्ट उनसे भी, और बेसिकली इस्लाम को यूनिवर्सल रिलीजन का नाम देकर इंडिया के अंदर इन्होंने प्रचार किया था। गुलाम अहमद प्रोक्लेम्ड एज अ मसीहा, इन्होंने अपने आप को एक मसीहा बताया और कहा कि मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ ओके। इसके बाद देखते हैं मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में मद्रास में बनी, वीरलंगम पुंतलु इसके फाउंडर थे, और सोशल प्योरिटी मूवमेंट था ये, और देवदासी सिस्टम के खिलाफ था ये, देवदासी सिस्टम जो आजकल केरला में होता है और तमिलनाडु में, वहाँ उसके खिलाफ था। रामकृष्ण मिशन जो है इसके बाद देखते हैं बंगाल में बना 1897 में, उसके दो मठ बने बेलूर और मायावती, एंड मई 1897 में बना ये रामकृष्ण मिशन, और इसके जो प्रवर्तक थे इसके फाउंडर थे विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त उनका बचपन का नाम था, सॉट टू रिवाइव हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का उन्होंने कहा कि भाई इसे हम जो है दोबारा से ठीक करेंगे, एंड बेस्ड ऑन एंशंट इंडिया रिलीजियस टेक्स्ट एंड कंसेप्ट ऑफ वेदांता, मतलब वेदांता के कंसेप्ट पे इन्होंने काम किया, एंड अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, और ये जाति प्रथा के खिलाफ थे, और बहुत सारी जो पुरानी रीतियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म में उसके खिलाफ थे ये। भारत धर्म महामंडल 1902 में बना, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया, दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले इन तीनों ने मिलकर बनाया 1902 में भारत धर्म महामंडल, बनारस ऑर्थोडॉक्स हिंदू सनातन धर्मी ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड आर्य समाज टीचिंग, इन्होंने आर्य समाज को अपोज किया बेसिकली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बॉम्बे में बनी, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर थे इसके, और ये बेसिकली किस लिए बनी थी, फेमाइन रिलीफ एंड इम्प्रूविंग ट्राइबल कंडीशंस, जो आदिवासी थे उनकी हालत को सही करने के लिए बनी। पूना सेवा सदन 1909 में जी के देवधर और रामाबाई रानाडे और जी के देवधर ये इसके फाउंडर्स थे, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन उसके लिए बनी पूना सेवा सदन
सो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं निष्कम कर्म मठ, ये पुणे में बना, डीके करवे ने बनाया निष्कम कर्म मठ। एक निष्कम कर्म का मतलब क्या होता है, सेल्फलेस और डिजायरलेस, इम्प्रूविंग विडोज कंडीशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए बना ये। भारत स्त्री मंडल देखते हैं, कैलकटा 1910 में बना भारत स्त्री मंडल, सरला बाला देवी चौधरानी इसकी फाउंडर थी, एंड वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट उसके लिए बना ये भारत स्त्री मंडल। सोशल सर्विस लीग बाय नारायण मल्हार जोशी, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी, इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ कॉमन मासेस। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद में बनी सेवा समिति, और बाय हृदयनाथ कुंजरू, फाउंडर थे हृदयनाथ कुंजरू 1914 इलाहाबाद में, सेवा समिति के फाउंडर थे हृदयनाथ कुंजरू। इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ सफरिंग क्लासेस, जितनी भी क्लासेस जो है सफ़र कर रही थी उस टाइम पे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। हिंदू वुमेन, इंडियन वेमन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास 1917 में बनी बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने इंडियन वुमेन एसोसिएशन बनाई मद्रास में, और बेसिकली क्या काम किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस कॉल्ड, क्या कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, पूरे एक वार्षिक जो सम्मेलन की तरह ऑर्गेनाइज करवाई थी, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस। सो फ्रेंड्स अभी तक के इस वीडियो में यहाँ तक ही, इस वीडियो में यहीं तक, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए जो कि हमारे प्रीलिम्स में बहुत कारगर साबित होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।